सॉन्ग्स में जब डांस करते हैं तो भाई मजा ही आ जाता है, क्योंकि सलमान का एक अलग डांस स्टाइल है जिसमें खूब सारा स्वैग होता है। मगर दबंग फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सलमान के दो स्टेप्स काफी पॉपुलर हुए। एक तो सलमान का हुड़हुड़ दबंग का हुक स्टेप, दूसरा मुन्नी बदनाम हुई में सलमान का कलाइयां घुमाने वाला स्टेप। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान को ये स्टेप्स कोरियोग्राफर ने नहीं सिखाए थे, बल्कि सलमान ने ये स्टेप्स कहीं से चुराए थे। दरअसल हाल ही में इंडियन फिल्म म्यूजिक लीग के ग्रैंड प्रीमियर में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरे शामिल हुए, जैसे सलमान खान, साजिद खान, मीका सिंह, जावेद अली, नेहा भसीन, शान, कैलाश खेर वगैरह वगैरह। और शूटिंग के दौरान सभी ने एक दूसरे के बारे में कुछ दिलचस्प राज भी खोले। हालांकि जब सिंगर मीका सिंह ने कुछ किस्से सुनाए और बताया कि सलमान सबसे बड़े शरारती हैं, तब फिल्म के साजिद खान ने भी एक राज खोलते हुए बताया कि सुपरस्टार सलमान ने अपने रिश्तेदार की शादी में एक अंकल से फिल्म दबंग का हुक स्टेप चुराया था। जी हां, दिल्ली जैमर्स के कैप्टन साजिद खान ने बताया, सलमान, मैं और कुछ दोस्त एक रिश्तेदार की शादी में गए थे, जहां हम पहली बार एक साथ बाराती बनकर पहुंचे थे। वहां हम लोग बारात के साथ सड़क पर डांस कर रहे थे और उस समय वहां बहुत भीड़ जमा हो गई, इसलिए माथुर अंकल ने उन्हें हटाने के लिए एक स्टेप करना शुरू कर दिया जिसमें वो अपनी कलाइयों को मोड़ रहे थे। इसके बाद हमने एक और अंकल को देखा और उनका भी एक स्टेप था जिसे वो हमेशा अपने बेल्ट के साथ करते थे। सलमान भाई ने तुरंत उनसे कहा, अंकल आपका स्टेप तो गया। उन्होंने इन दोनों आइडियाज को मिलाया और फिल्म दबंग का फेमस हुक स्टेप बना लिया। और उधर वो अंकल आज तक कहते रहते हैं कि सलमान ने उनका स्टेप चुरा लिया। जाहिर है कि सलमान खान की क्या कमाल की ऑब्जर्वेशन है कि एक शादी में उन्होंने दो अंकल के स्टेप्स को देखा, उन्हें दिमाग में बिठा लिया और फिर उन्हें दबंग में कॉपी किया। भाई तभी तो सलमान के ये स्टेप्स इतने कैची थे कि लोगों को भी ये खूब पसंद आए और लोगों ने भी शादियों में, फंक्शंस में और पार्टीज में इन स्टेप को खूब कॉपी किया। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।